भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस मैच में ओपनिंग करने के लिए मयंक अग्रवाल के साथ लोकेश राहुल उतरे। इन दोनों के बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते ही 1932 से चले आ रहे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसा हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ। मयंक अग्रवाल और लोकेश राहुल ये दोनों ही खिलाड़ी कर्नाटक से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। सिडनी में जैसे ही ये दोनों ने पारी की शुरुआत करने उतरे तो ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहला मौका बन गया जब कर्नाटक से खेलने वाले दो ओपनरों ने टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज किया है। मयंक ने अर्धशतक किया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।